हेलो क्लास, अपने नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ पिक्चर। तो पिक्चर्स को बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज है वो देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टीम इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर नंबर ऑफ टीम इवन नंबर में तब फॉर्मूला अप्लाई होंगे इधर वाले, और ऑड नंबर है तो फॉर्मूला अप्लाई होंगे इधर वाले। सबसे पहले हम लोग जाएंगे नंबर ऑफ मैचेस से, उसको हम निकालेंगे नंबर ऑफ मैचेस कितने, नंबर ऑफ टीम एन माइनस वन। इट मीन्स एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टीम को माइनस वन। सपोज है जैसे नंबर ऑफ टीम इलेवन है, तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन माइनस वन, इट मीन्स इलेवन माइनस वन, तो नंबर ऑफ मैचेस कंप्लीट होंगे टेन। अगला है इवन एंड ऑड के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। अपर हाफ नंबर ऑफ टीम, अगर नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में डिवाइड करनी है इवन नंबर में तब फॉर्मूला लगा एन बाय टू, और अगर ऑड में तो एन प्लस वन अपॉन टू। सेम ये लोअर हाफ नंबर ऑफ टीम, टीम को डिवाइड करेंगे अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला होगा इवन नंबर के लिए एन बाय टू, एंड ऑड के लिए होगा एन माइनस वन अपॉन टू। उसके बाद में हम लोग जाएंगे पावर ऑफ टू पे। पावर ऑफ टू होती क्या है, टू की पावर। टू की पावर हम जब तक अप्लाई करेंगे जब तक नंबर ऑफ तीन के इक्वल डिजिट नहीं आ रहा, या फिर जस्ट अगला डिजिट नहीं आ रहा है। उसके बाद में बाय, बाय होती है एक एडवांटेज होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ एडवांटेज, जहाँ पे होता क्या है कि आपको प्रमोट किया जाता है अगले लेवल पे विदाउट प्ले एनी मैच। उसके बाद में हम जो बाय आती है उसको निकालते हैं पावर ऑफ टू माइनस नंबर ऑफ टीम से। उसके बाद में जो बायज मिलेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। अपर हाफ में डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला सेम है एन बी अपॉन टू, इट मीन्स नंबर ऑफ बाई अपॉन टू, और अगर नंबर ऑफ टीम ऑड है तो एन बी माइनस वन अपॉन टू। सेम ये लोअर हाफ एन बी अपॉन टू, एन बी प्लस वन अपॉन टू। अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, आप देखेंगे। सपोज दैट सबसे पहले हम जाते हैं इवन नंबर पे। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ टीम इवन नंबर है और नंबर ऑफ टीम है हमारे पास में, नंबर ऑफ टीम 10, ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आएगा हमारा नंबर ऑफ मैचेस का। नंबर ऑफ टीम 10, नंबर ऑफ मैचेस n माइनस वन, इट मीन्स 10 माइनस वन, तो नंबर ऑफ मैचेस होंगे हमारे पास 9। टोटल मैच कितने खेलेंगे हम लोग, 9 मैच खेलेंगे। इसके बाद में देखना टीम इवन है ऑड है, इवन है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपर हाफ में जो टीम डिवाइड होगी। भाई यहाँ पे थ्योरी वर्क चलेगा, प्रैक्टिकल वर्क चलेगा। सपोज दैट यहाँ पे आपने मेंशन किया नंबर ऑफ टीम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको डिवाइड करना टू पार्ट में, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला है इवन नंबर का एन बाय टू। अपर हाफ नंबर ऑफ टीम एन बाय टू, यहाँ एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टीम को, नंबर ऑफ टीम आपके पास 10 बाय टू 5 टीम। फिर लोअर हाफ नंबर ऑफ टीम, लोअर हाफ नंबर ऑफ टीम सेम फॉर्मूला है एन बाय टू, एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टीम को 10 अपॉन टू सेम 5। एडवेंस अगर नंबर ऑफ टीम 10 है तो अपर हाफ में 5 टीम रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे वाला आपकी साइड रहेगी 1, 2, 3, 4, 5। डिवाइड कर दिया हमने, ये हो गया अपर पार्ट, ये हो गया लोअर पार्ट, अपर हाफ लोअर हाफ। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप अपना पावर ऑफ टू, टू की पावर। कब तक, जब तक नंबर ऑफ टीम के इक्वल डिजिट या उसे जस्ट अगला डिजिट नहीं आ जाता है। पावर ऑफ टू, ओके, नंबर ऑफ टीम हमारा कितनी है 10, नंबर ऑफ टीम है 10, टू की पावर 2 मल्टीप्लाई टू 4 मल्टीप्लाई टू 8, एंड नेक्स्ट का 2 मल्टीप्लाई टू 8 मल्टीप्लाई टू 16, तो 16 10 से ज्यादा है इसलिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। 2 मल्टीप्लाई टू 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 10 से कम है तो हमें अगला डिजिट लेना पड़ेगा, वो होगा 16। तो पावर टू क्या हो गई 16, और ये कितने अटैम्प्ट चाहिए 1, 2, 3, 4, तो राउंड कितने होंगे 4। इसके बाद में फॉर्मूला है अपना नेक्स्ट स्टेप अपना बाय डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बाय डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, पावर ऑफ टू माइनस नंबर ऑफ टीम, पावर ऑफ टू माइनस नंबर ऑफ टीम। पावर ऑफ टू हमारे पास में है 16 और नंबर ऑफ टीम हमारे पास 10, 16 माइनस 10, बाय कितनी रहेगी 6 बार, ओके।
अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है बाय दोनों पार्ट में, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो बाय डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फॉर्मूला है इवन नंबर के लिए एन डी अपॉन टू। अपर हाफ नंबर ऑफ बाय एन बी अपॉन टू, यहाँ पे एन बी इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ बाय स्कोर जो कि है सिक्स, सिक्स अपॉन टू इट मीन थ्री बाय एन अपर हाफ। लोअर हाफ नंबर ऑफ बाइज एन बी अपॉन टू, सेम ईयर सिक्स अपॉन टू थ्री बाय देन लोअर हाफ। तो ये फॉर्मूलाज है और इनको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है इन प्लान। अब इसके बाद में हम लोग पूरा फॉर्मेशन कर लिया है स्टोरी का, अब हमें प्रैक्टिकली आना है। सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है बाय पार्ट, टीम ली नंबर ऑफ टीम थी 10, इनको हमने डिवाइड किया अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। अब हमारे पास बाय है अपर हाफ में थ्री बाय एंड लोअर हाफ में थ्री बाय, दैट मीन्स टोटल बाय है सिक्स। अब बाय जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहली बाय हमेशा सबसे नीचे दी जाती है, फर्स्ट बाय। सेकेंड बाय हमेशा टॉप पे दी जाती है, थर्ड बाय हमेशा जो मिडल लाइन होती है उसके जस्ट नीचे, और फोर्थ बाय जस्ट उससे ऊपर। भाई इस पार्ट को हम बोलेंगे क्या, ये क्या लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये है टॉप पोर्शन, ये है बॉटम, ये टॉप ये बॉटम, इसको बोलेंगे फर्स्ट बाय कहाँ पे दी जा रही है, बॉटम ऑफ लोअर हाफ। सेकंड बाय दी जा रही है टॉप ऑफ अपर हाफ, थर्ड बाय दी जा रही है टॉप ऑफ लोअर हाफ, एंड फोर्थ बाय दी जा रही है बॉटम ऑफ अपर हाफ। पर इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए इजिली हम समझेंगे, सबसे पहली बाय दी जाती है सबसे नीचे, सेकंड बाय सबसे ऊपर टॉप पे, थर्ड बाय हमेशा लाइन जो मिडिल लाइन होती है उसके जस्ट नीचे, एंड फोर्थ जस्ट ऊपर। और यही सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक नंबर ऑफ बाइस कंप्लीट नहीं हो जाती है। नंबर बाइस है सिक्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वापस स्टार्ट होगा सेम यही सीक्वेंस। तो जस्ट इसके ऊपर बाय नंबर फाइव, सेकेंड जस्ट नीचे सिक्स, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय। अब जिन टीमों को बाय मिल गई है वो टीम प्रमोट होगी अगले राउंड के लिए, तो इनको हम लोग प्रमोट कर देते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। ये राउंड नंबर वन है, राउंड नंबर टू में इनको प्रमोट कर देते हैं क्योंकि ये मैच फर्स्ट राउंड में मैच कंप्लीट नहीं करेंगे, बाकी टीमों का मैच करवा दो। अब इनमें से जो जीता वो आगे आ गया, इनमें जो जीता वो आगे आ गया। राउंड नंबर टू में फर्स्ट मैच ये कंप्लीट करेंगे, सेकंड मैच ये कंप्लीट करेंगे, ये पेयर बन गए मैच के। तो इस फर्स्ट सेकंड में मैच हुआ कौन जीता, वन, थ्री फोर में मैच हुआ फोर जीता, और फोर एंड फाइव का मैच हुआ फाइव जीता, सिक्स सेवन सेवन एट में जो मैच जीता सेवन जीता, सिक्स सेवन जीता सिक्स, नाइन टेन में नाइन। ओके अब राउंड नंबर थ्री आ गया, ये आ गया राउंड नंबर थ्री, वन एंड फाइव का मैच हुआ वन जीता, सिक्स एंड नाइन में मैच हुआ सिक्स जीत गया। अब ये हो गया राउंड नंबर फोर, फाइनल मैच वन जीता हिज विनर। ये हो गया हमारा फिक्स्चर, एक बार दोबारा देखेंगे। सबसे पहले हमने फॉर्मूला से अप्लाई किया नंबर ऑफ टीम 10, नंबर ऑफ मैचेस n माइनस वन, टेन माइनस वन इट मीन्स नाइन मैचेस होंगे। नाइन मैचेस अपने काउंट करेंगे, देखो वन मैच नंबर वन, मैच नंबर टू, मैच नंबर थ्री, मैच नंबर फोर, मैच नंबर फाइव, मैच नंबर सिक्स, मैच नंबर सेवन, मैच नंबर एट एंड मैच नंबर नाइन, इट मीन्स नंबर ऑफ मैचेस कंप्लीट सही है फॉर्मेशन। अपर हाफ नंबर ऑफ टीम n अपॉन टू मीन्स टेन अपॉन टू फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, सेम ईयर सेकेंड लोअर हाफ वन टू थ्री फोर फाइव, आफ्टर दैट पावर ऑफ टू। पावर ऑफ टू में देख लेना नंबर ऑफ टीम के या तो डिजिट इक्वल रहेगा या फिर जस्ट अगला रहेगा। नंबर ऑफ टीम 10 है तो इसमें से उसको पावर ऑफ टू करेंगे, टू मल्टीप्लाई टू फोर मल्टीप्लाई टू एट मल्टीप्लाई टू सिक्सटीन, सिक्सटीन टेन से जस्ट अगला डिजिट है तो हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे 16। अब ये डिजिट कितने राउंड में आया, कितने टाइम में आया, वन टू थ्री फोर, तो इसका मतलब राउंड कितने होंगे फोर, राउंड नंबर वन, राउंड नंबर टू, राउंड नंबर थ्री एंड राउंड नंबर फोर, इज इट क्लियर। अब बाय, बाय होती क्या है एक्चुअली, मैंने आपको बताया था बाय एक एडवांटेज होता है एक्चुअली, फिक्सर को बैलेंस करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो बाय कैसे ली जाती है, पावर ऑफ टू माइनस नंबर ऑफ टीम, पावर ऑफ टू क्या होती है, पावर ऑफ टू क्या है 16 एंड नंबर ऑफ टीम 10, तो 16 माइनस 10 बाय कितनी लगेगी 6 अकॉर्डिंग टू फिक्सर। अब इसको डिवाइड करना है अपर हाफ एंड लोअर हाफ, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, अपर हाफ
एन बी अपॉन टू लोअर हाफ एन बी अपॉन टू सिक्स अपॉन टू सिक्स अपॉन टू इटमीन्स थ्री बाय अपर हाफ एंड थ्री बाय लोअर हाफ। सेम हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और ये प्लान आपके सामने है। बाय हमेशा जाना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सबसे फर्स्ट सबसे नीचे, सेकेंड सबसे टॉप पे, थर्ड दस लाइन से नीचे एंड फोर्थ लाइन से ऊपर, और यही सिक्वेंस चलता रहेगा जितनी भी बाई हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सपोज दैट अगर मेरे पास बाई होती सेवन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, यही सिक्वेंस चलता रहेगा जितनी भी बाई हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके क्लास।